अब देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। 2024 की तैयारी में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है, जहां बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों का एकजुट होना अहम माना जा रहा था, तो वहीं अब विपक्ष में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां पीएम मोदी के सामने अभी तक कोई विपक्षी चेहरा नजर नहीं आ रहा था, वहीं अब विपक्ष के सामने कई चेहरे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को, तो दूसरी तरफ बिहार के महागठबंधन से नीतीश कुमार को विपक्ष से पीएम के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं दीदी यानी ममता बनर्जी की राजनीति भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि वो भी 2024 में पीएम मोदी को चुनौती दे सकती हैं। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक विश्लेषक ये सोच रहे थे कि विपक्षी एकता आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ आकर मोदी को कड़ी चुनौती देगी। क्या नया चेहरा सामने आएगा या फिर विपक्ष बिखर जाएगा या फिर एक बार फिर पीएम मोदी ही नए प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर पीएम कैंडिडेट नहीं होंगे अगले प्रधानमंत्री के, तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम लेंगे, लेकिन उससे पहले वो बयान सुनते हैं जो सत्ता और विपक्ष के बीच में चल रहे हैं। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना, तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे, रहेगा तो सिर्फ बीजेपी रहेगी। बात हम हाथ जोड़ करके कर, उस सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे हमारे नजदीक भी कह देता हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें, विरोध विपक्ष वाले, तो बहुत अच्छा होगा। एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज का वातावरण। कि अगर हम बीजेपी की इन्हीं नीतियों पर चलते रहेंगे तो जो राज्य की पार्टियां हैं वो एक दिन समाप्त हो जाएंगी और रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। तो वहीं अगर नीतीश कुमार को देखा जाए, जिस तरह से बदलाव हुआ है बिहार की राजनीति में, अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और पीएम फेस बनने की कोशिश भी कर रहे हैं नीतीश कुमार। और इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अमित गुरु जी कांग्रेस से, आशीष सक्सेना जी जेडीयू से, शुभांकर भट्टाचार्य जी टीएमसी से, और सुभाष यादव जी जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल सत्ता पक्ष से। विवेक जी, जिस तरह से इस वक्त कई कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं विपक्ष में, इनको देखते हुए क्या लगता है चुनौती मिलेगी बीजेपी को या नहीं मिलेगी? देखिए शिखा जी, विपक्ष अपने आप में बहुत बिखरा हुआ है। स्थिति यह है कि विपक्ष जिन प्रदेशों में सत्ता में है भी, वहाँ भी उसकी आपस में इतनी फुटमत है कि वहाँ भी उनके नेता के नाम पे एकमत नहीं है। अभी आपने देखा कि बिहार में नीतीश जी मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ से एक समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी के लिए आ गया, ममता जी वहाँ रात में सपने देखती हैं, शरद पवार जी वहाँ सपने देखते हैं, ऐसे तमाम लोग सपने देखने के क्रम में लगे हुए हैं। मुझे लालू यादव जी की एक बात याद आती है, उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि आपका नाम प्रधानमंत्री के लिए चल रहा तो आपको कैसा लगता है जी? तो उन्होंने कहा था, अरे आपका चलेगा तो क्या आपको मन में लड्डू नहीं फूटेगा? तो वही हाल विपक्ष के नेताओं का है, वो खुद ही अपना नाम चला करके खुश हो लेते हैं। बाकी जमीनी धरातल पे सच्चाई से विपक्ष बहुत कोसों दूर है। कांग्रेस अपने गांधी परिवार से इतर किसी नेतृत्व को स्वीकार करने वाली नहीं। सबसे बड़ा संगठन विपक्ष का जो कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में पूरे देश में फैला, वो कांग्रेस का है जी। सदन में संख्या भी उनकी है। दुर्भाग्य उनका ये कि गांधी परिवार से इतर किसी को नेतृत्व देना नहीं चाहते, और गांधी परिवार के उनके दिए हुए नेतृत्व को विपक्ष के ही अन्य दलों के नेता स्वीकार करना नहीं चाहते। तो ये जो आपस में ही जो ये तरह की खींचतान है,
आप देख लीजिएगा पूरा चुनाव आ जाएगा, चुनाव हो भी जाएगा, विपक्ष एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद के लिए अपना नेता नहीं चुन पाएगा। ठीक है, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ बहुत साफ है। हम 2024 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। जमीन पे हमारा काम है, जिन क्षेत्रों में हम कमज़ोर थे उन क्षेत्रों पे बूथ वाइज हम उन बूथों को मजबूत करने का काम भी चालू कर चुके हैं जी। तो ऐसे में कहीं कोई हमारे लिए कमी की स्थिति नहीं है। हम उन सारी कमियों को दूर करते हुए 2024 में अपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार के कामों के दम पे, नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं के दम पे मैदान में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम 2024 में प्रचंड बहुमत से सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यानी बीजेपी का संगठन मजबूत है और अब एक बार फिर पीएम फेस और विपक्ष की फूट का असर देखने को मिल सकता है। अमित जी, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को हमेशा आगे बढ़ाया गया है, तो इसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर देंगे या फिर जो और नए उभरते हुए चेहरे नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, तो वो आगे बढ़ेंगे, कौन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस की क्या रणनीति है 24 को लेकर? बड़ा स्पष्ट है, अभी पिछले दिनों में एक सम्मानित टीवी चैनल का एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने एक सर्वे दिया था जी। कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए सक्षम राजनेता कौन है, और मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी किसी आपके चैनल पर बैठा हूँ, प्रतिष्ठित चैनल है और उसमें लगभग 53% लोगों ने राहुल गांधी का नाम दिया। बीजेपी के हमारे साथ ही बैठे हैं, उनके पहले दो बातों का मैं जवाब दे दूँ, फिर बाकी बातों पर मैं आपसे बात करूंगा जी। इन्होंने कहा कि इनके नेता खुद अपना नाम चलाते हैं। अब इन्होंने अखिलेश यादव की बात करी, राहुल गांधी जी की बात करी, ममता बनर्जी की भी बात करी, नीतीश जी की बात आई रही है। हर पार्टी में, हर दल में समर्थक होते हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता और समर्थक होते हैं, और उनकी इच्छा ये होती है कि उनका नेता इस देश की अगुवाई करे। अब किसी भी दल के समर्थक हो, उनका पूरा अधिकार है, वो अपने नेता के बारे में ऐसा ख्याल ला सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या बड़े नेता ने व्यक्तिगत तौर पे जो जिम्मेदार है पार्टी के लिए, के प्रति अपने उत्तरदायित्व को संभाल रहा है जी। किसी ने नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ जी। यूपीए का परंपरा हमेशा से रहा है, हम चुनाव लड़के आते हैं, हमारे साथ तमाम सारे दल है। अभी ये बूथ मजबूत करने की बात कर रहे हैं, इनके दल में के साथ एनडीए के साथ जितने घटक दल है, बारी बारी सारे के सारे इनके साथ छोड़कर जा रहे हैं। जिस तरह से जेपी नड्डा ने बिहार में कहा कि हम क्षेत्रीय दलों के विदाई का ये समय है, निश्चित तौर पे जिस तरह से रशिया में और चाइना में जिस तरह से पुतिन और सी जिनपिंग राज कर रहे हैं, उस तरह की जो मनोभावना है वो मोदी जी के अंदर आ चुकी है। उन्हें न तो विपक्ष चाहिए और न ही एक मजबूत जो इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली जो इनका तरीका रहा है, रवैया रहा है, उसमें अब ये क्षेत्रीय दलों से भी मुक्ति चाहते हैं जी। तो कांग्रेस क्या कर रही है इसमें? एक तरह से लोकतंत्र नहीं, देखिए कांग्रेस का स्पष्ट मत है, हमारे तमाम घटक दल हैं, हम अपने अपनी जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारे दखल देश के सभी राज्यों में है। और इस बार चूंकि अभी आपने देखा उदयपुर के चिंतन शिविर से जब हम निकल के आए, तो हमने एक व्यापक अपना टास्क फोर्स बनाया हुआ है 2024 के इलेक्शन को देखते हुए, जिसमें पी चिदम्बरम जी, मुकुल वासनिक जी, रणदीप सुरजेवाला जी, जयराम रमेश जी, केतु वेणुगोपाल जी, अजय माकन जैसे तमाम वरिष्ठ नेता, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और आने वाले 9 सितंबर को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा के रूप में की जाएगी, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरह से इस देश के अंदर अलगाव, जिस तरह से लोकतंत्र के हनन और जिस तरह से बंटवारे की राजनीति, तो क्या लगता है कांग्रेस क्या अकेले अपने दम पे ये सब कर लेगी, मोदी को चुनौती दे लेगी? अमित जी देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है, आप पूरे देश में, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बात भ्रष्टाचार की हो, चाहे बात महिला उत्पीड़न की हो, और चाहे जो सरकारी तंत्र है उसके में, आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस हर जगह जिस तरह से अपनी मौजूदगी निभा रही है, उससे ये तय है
कि हम एक मजबूत विपक्ष के साथ साथ मोदी को और इनकी सरकार को चुनौती देने के लिए सक्षम है। जी ठीक है आशीष जी, जेडीयू में जिस तरह से एक बड़ा कदम उठाया है, एनडीए से जिस तरह से गठबंधन तोड़ा और एक महागठबंधन एक बार फिर से बना, नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो इन सबको देखते हुए क्या लग रहा है? क्योंकि कई सवाल खड़े करे जा रहे हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि एक डील हुई है कि तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बना दिया है, अब वो पीएम फेस बनेंगे और तेजस्वी बाद में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो इस तरह की अटकलें बहुत तेज है, तो क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ सही है, क्या इसमें सच्चाई है? जी आशीष जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी अब दोबारा से पूछिए जरा। जी तो जिस तरह की राजनीति बिहार में देखने को मिली है, एनडीए को दरकिनार कर दिया गया है, नया महागठबंधन बनाया गया है, नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो इसको देखते हुए जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पीएम फेस बन सकते हैं आने वाले समय में और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो एक समय पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस तरह की कुछ डील हुई है, इस तरह की बातचीत हुई है, तो इन अटकलों पे क्या विराम लगेगा या फिर इनमें सच्चाई है? देखिए सिर्फ अटकलें हैं जो आपने कहा है, ये वाकई में अटकलें हैं। अभी आपने सुना होगा हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि वो किसी तरह की कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं जी। ये बाकी महागठबंधन में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति तो अभी तक किसी को भी नजर नहीं आ रहा है जो नीतीश जी से के अलावा इतना एक्सपीरियंस हो। ठीक, तो ये महागठबंधन का अंदरूनी निर्णय है कि वो लोग नीतीश जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नीतीश जी ने अपनी तरफ से कोई ना दावेदारी की है ना उनकी कोई इच्छा है जी। लेकिन ये बात भी तो कही थी कि वो विपक्षी दलों से बात करेंगे। हाँ विपक्षी दलों से बात करेंगे, जब गठबंधन से अलग हुए हैं भाजपा से तो जाहिर सी बात है अपने आप को मजबूत करने के लिए हम आपस में बैठ के मीटिंग तो करेंगे ही सब, और अगर सब लोग सहमत होंगे तो नीतीश जी पीएम कैंडिडेट आएंगे जी, मतलब आ सकते हैं वो पीएम कैंडिडेट के तौर पे। शुभांकर जी, ममता बनर्जी की राजनीति को देख के क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी राजनीति चल रही है वो किसी से भी बैर रखती हुई नजर नहीं आ रही है। एक वक्त पे उन्होंने सोनिया गांधी से भी बात करने की कोशिश करी थी, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी राजनीति को देख के भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो पीएम मोदी को टक्कर दे सकती है 24 में। देखिए शिखा, इसमें दो चीजें, जैसे कि अभी अमित जी ने कहा, मैं थोड़ा इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि हर एक पार्टी का एक अपना एक इंटरनल एक इमोशंस होती हैं जो उसके खुद के नेता के साथ होती हैं। हर कोई चाहता है कि उसके अपने नेता को वो पीएम के उम्मीदवार के रूप में देखें। उसी प्रकार टीएमसी में भी कई बातें ऐसे उठती रहती हैं जी। लेकिन जहाँ तक इन सब बातों का जो अंत है ये यहाँ पर नहीं होने वाला। पहले एक मेन चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, अगर वो सोचिए बंगाल में आके जब कोई हमारे साथ जब लड़ता है तो कांग्रेस वहाँ पे हमारे विरोध में लड़ती है, हमारे विपक्ष में लड़ती है, हमारे साथ नहीं खड़ी होती। और ये उनकी राजनीति सही भी है, मैं उसको गलत नहीं करार देता। जब आप एक राष्ट्रीय पार्टी होते हैं और आपको अपने पार्टी की जो छवि है हर जगह अगर बरकरार रखनी होती है तो फिर क्या है कि वहाँ पे आपको अपने वो गठबंधन वाला जो मेंटालिटी है उसके बाहर निकल के आपको लड़ना पड़ता है, ये सबको करना है जी। अब आ जाते हैं जब आपकी बात आती है कि छत्रपों को क्या इतना तवज्जो दिया जाएगा। देखिए अब अगर आप देखें एनडीए से आज जो अंदर के घटक दल हैं वो धीमे धीमे अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, जो उनकी जो खुद की जो पहचान है, जब वो खोते देख रहे हैं तो अब वो उसके बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और भी है, सवाल ये है क्या बीजेपी अब खुल के, इस समय तो बीजेपी पूरे तरीके से पावर में है, तो क्या बीजेपी इस बात को अब अनाउंस कर सकते हैं, क्या उनका कोई बड़ा नेता ये कहेगा कि नहीं अगला चुनाव हम एनडीए बन के नहीं लड़ेंगे, हम गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, हम स्वयं में सक्षम हैं, हम पूरी तरीके से अकेले ही लड़ेंगे। तो आप गठबंधन वहीं पे तोड़ दीजिए, समाप्त कर दीजिए, तब आप दूसरे गठबंधन पर बात कर पाएंगे। कांग्रेस और दूसरे दलों की हमारी भी मजबूरी यह है कि कहीं ना कहीं हमें अपने प्रदेश में अपनी जो राजनीतिक जो जो एक प्रक्रिया उसको भी रखनी है और एक देश पर भी रखनी है। जब हम राष्ट्रीय पटल पर जब वहाँ आते हैं तो वहाँ पे एक साथ एकजुट होकर हम उन बातों पर चर्चा करते हैं, चाहे वो महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, एक साथ आके लड़ाई करते हैं जी। अभी उसमें हमारी जितनी मजबूती जुड़ेगी, अब जैसे नीतीश जी जुड़े जी। तो हमारी विपक्ष की आवाज कहीं ना कहीं मजबूत होती है। 2024 आते आते ये मत भूलिएगा 10 साल का इनकम्बेंसी वो छोटा पीरियड नहीं है, 5 साल का इनकम्बेंसी होता है तो लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं 5 साल हुआ है 5 साल एक बार और देते हैं। जब कांग्रेस जब पावर में थी तो कांग्रेस को भी यही चीज लगता था कि हम तो कभी जाने नहीं वाले। उस समय मुख्य विपक्षी कौन थे? भाजपा थी।
क्या कभी हम लोगों ने सोचा था कि भाजपा, क्या भाजपा ने खुद नहीं सोचा था कि भाई हमें इतना बड़ा जो है कभी हमें ये मिल पाएगा, हमें इतना बड़ा समर्थन मिल पाएगा? आज उनके पास समर्थन है, आज उनके पास सीट्स हैं, तो वो ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गठबंधन के हिस्सा है, गठबंधन को तोड़ नहीं रहे। क्या ये बात कह सकते हैं कि हम गठबंधन नहीं है, लेकिन कहते हुए अपने आप को कि हाँ बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार में। कहीं ना कहीं जब आप एनडीए का नाम लेना बंद कर देते हैं तो अन्य घटक दलों को आप उनके पहचान से हटा दे रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि आप हमें समा जाइए या तो खत्म हो जाइए। जब घटक दल उस बात को समझेंगे तो धीमे धीमे एनडीए भी समझ जाएगा कि क्या उनको गठबंधन बनाना है या नहीं बनाना। लेकिन राहुल गांधी जो कि एक बड़ी पार्टी से आते हैं, उनकी जगह पे ममता बनर्जी क्या स्टैंड ले पाएंगी? शिखा, बात फिर वही है जी, ये सारी बातें कब निकल के आती हैं? अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप मुझसे कहें कि भाई क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है? बिल्कुल है साहब, दो दो जगह उन्होंने दो दो प्रदेशों में बहुत अच्छा किया, क्या वो अब छोटे नेता रह गए? नहीं रह गए। अगर आप कह दें कि भाई नीतीश जी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है, तो ये सब है। लेकिन ये जानते हैं जब लड़ाई होगी ना, जब महागठबंधन की लड़ाई, इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा जी। ये सब पार्टियां जो देश की सबसे प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये अपने दम पर लड़ेंगी, छोटे घटक दल अपने दम पर लड़ेंगे। वहां पर यह बात नहीं आएगी कि पूरे तरीके से आप कहीं ना कहीं मिक्स करके, अगर आपने उस समय गठबंधन होकर लड़ा तो क्षेत्र में छत्रपों को नुकसान होगा जी। और अगर वो मिलकर लड़ते हैं तो उन जगहों पर जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उनको पता है वहां पे वो भी सीट्स गंवा सकते हैं, उनको सीट्स कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में चला जाएगा। तो दिमाग यही चलता है कि अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएं, जब सीटें आ जाएंगी, जिस समय चुनाव जीत के आएंगे, उस समय फिर एक टेबल पर डिस्कशन होगा किसका नाम उभर के आ सकता है। एक गठबंधन की भी अपना ही अंदर का एक कह सकते हैं काउंसिल होता है, उसमें फिर उस काउंसिल में चर्चाएं होंगी, चार नाम उठेंगे, उसमें से एक नाम तय किया जाएगा, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। बिल्कुल सुभाष जी, हमने सबकी बातें सुन ली हैं और ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे कि विपक्ष का एक होना जरूरी है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और कहीं ना कहीं सबको एकजुट होके बीजेपी को टक्कर देनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अकेले अपने दम पे इतना बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, लड़ेंगी लेकिन उतना बड़ा फायदा नहीं होगा जितनी बड़ी बीजेपी की पार्टी है और जितना उसका अभी तक का काम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हर पार्टी तो यही चाहती है कि हमारा कैंडिडेट पीएम बने, तो आखिर ऐसे में कैसे चुनौती दी जाएगी 2024 में बीजेपी को? चिका जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारत देश की जनता यही तो जानना चाह रही है जी, कि मोदी नहीं तो और कौन, और विपक्ष यही चीज करने में असमर्थ हो रहा है। सारे प्रवक्ताओं ने बात बोल दी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तो पूरी तरीके से क्लियर है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए उसका भी स्टैंड क्लियर है कि 2024 के अंदर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन रहेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या एनडीए की तरफ से, मोदी जी पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन जो विपक्ष की बातें चल रही है ना, विपक्ष एक तरफ महागठबंधन की बात करता है, या जैसे कि अमित गुरु जी ने बोल दिया कि भाई हर पार्टी के नेता को अपनी तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार करने की छूट कर सकता है, तो इस प्रकार जो लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या इस प्रकार की लड़ाई से ये भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे? अभी शुभांकर जी जिक्र कर रहे थे एंटी इनकम्बेंसी का, 10 साल का जिक्र इन्होंने कर दिया, खैर 10 साल तो हुआ नहीं, 24 के अंदर 10 साल होने को जाएगा। उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण देख लें तो 5 साल हुआ, कई प्रवक्ताओं ने बोला कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, क्या गई? एंटी इनकम्बेंसी की जो बात होती है अब वो इतना इफेक्ट नहीं रखती है, इफेक्ट ये रखता है कि आप सामने खड़ा किसको कर रहे हो, आप लड़ने की बात करते हो। कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है नेताजी की, इनकी टीएमसी की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, कांग्रेस से निकल के उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई है, उसके बाद में कांग्रेस को ही तोड़ने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया। अभी भी कई जगह आप देख लीजिएगा टीएमसी कई विधायकों को उन्होंने शामिल कर लिया, कई सांसदों को शामिल कर लिया। तो जब ये एकजुट हो नहीं पाएंगे, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता देंगे, ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता देंगे, ये अपने अखिलेश जी अपने आप को बता देंगे, नीतीश जी अपने आप को बता देंगे, तो क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी को रोक पाने में समर्थ हैं? कतई समर्थ नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां अपने प्रदेश के अंदर जब चुनाव लड़ती है विधानसभा के अंदर, तो इनके जहन में एक चीज चलती है, हमें सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का जो आम चुनाव होता है, अगर इसको तुलना की जाए तो दोनों भिन्न भिन्न है। देश की जनता एक तरफ देखती, केंद्र के अंदर हमको मोदी चाहिए जी, प्रदेश में हो जाए योगी जी, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी, नीतीश हो जाए बिहार के अंदर, वो अलग चीज आती है। लेकिन जब भी 2024 की आप बात करोगे, प्रधानमंत्री के मुकाबले किसी को खड़ा करने की बात करो विपक्ष में, तो उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत देश के लोगों के जहन में एक ही सवाल आएगा, मोदी नहीं तो कौन? ये आज तक उसको डिसाइड नहीं कर पाए। इन्होंने जो बोला शुभांकर जी ने कि भाई सब अपना अपना लड़ेंगे चुनाव, उसके बाद में डिसाइड कर लेंगे, डिसाइड करने मतलब ये हुआ ना कि भैया फिर होगी उसमें मोल भाव जी। मेरी सीटें इतनी है तो मैं पीएम बनूंगा, मेरी सीटें इतनी है तो मैं टीएमसी, मैं होम मिनिस्टर बनूंगा। वही विपक्ष मात खा जाता है,
विपक्ष जब तक एकजुट होकर नहीं लड़ेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को रोक पाने में असमर्थ है। 2024 के अंदर भी अगर यही रवैया इनका रहा तो 2024 के अंदर भी शिखा जी बिल्कुल इसको लिख कर रखिएगा, विपक्ष कहीं नहीं टिकेगा, मोदी जी फिर से आएंगे तीसरी बार। जी, आज की इस चर्चा का विषय भी यही है कि विपक्ष में फूट, देश में मोदी। तो विपक्ष की फूट का जो मेन प्रॉफिट है वो बीजेपी को मिल रहा है। जेपी नड्डा ने भी कहा कि हम अगर अपनी इन्हीं नीतियों पे चलेंगे तो जो क्षेत्रीय पार्टी है वो खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, तो यही देखने को मिल रहा है। तो आखिर विपक्ष कैसे समझेगा कि हमें एकजुट होना है? कैंडिडेट उतार रहे शिखा जी, विपक्ष कहां था आप बताइए? राष्ट्रपति का चुनाव रिसेंटली हुआ जी, उसके बाद अभी जस्ट रिसेंटली उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के अंदर टीएमसी ने क्या किया? सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। किसको? शरद पवार जी को। शरद पवार को पता था मेरा हशर क्या होने वाला है, पीछे हट गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला को किया कि आप आ जाइए, उनको पता चला कि मेरा हशर क्या होने वाला है कि भैया वो भी पीछे हट गए। लास्ट में कौन है? यशवंत सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के थे वो, टीएमसी ज्वाइन की उन्होंने, उनको उन्होंने राष्ट्रपति का प्रेजेंट किया उम्मीदवार। लेकिन बाद में ममता दीदी ने यह भी बोला था कि मुझे नहीं पता था भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित करेगी, अगर घोषित कर देती तो शायद हम उनके साथ में रहते। और ये रिकॉर्ड के अंदर है, उनके खुद के सिटिंग एमपी जो थे उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में वोट किए हैं। अब आइए विपक्ष इसके अंदर उपराष्ट्रपति के चुनाव पे, कांग्रेस ने मार्केट अलवा को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव घोषित किया प्रत्याशी जी। तुरंत ममता बनर्जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम ममता इनको मार्केट अलवा को समर्थन नहीं देंगे। विपक्ष है कहां? विपक्ष आपको कहां दिख रहा बताइए मुझे, एक राज्य बता दीजिए। ये तो एनकेन प्रकरण बिहार के अंदर सरकार गिर गई, ऑफिस नीतीश सरकार बना ली, बस यही। तो ये विपक्ष है नहीं, ये तो राज्य की सरकार के अंदर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश का चुनाव नहीं है। देश का जब चुनाव आएगा तो देख लीजिएगा, ये अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजाएंगे, मोदी जी को रोक नहीं पाएंगे लोग जी। शिवांकर जी, आप कुछ कहेंगे इस पे? शिखा जी, क्या है कि एक होता है कि जिस समय जब आपकी एक लहर है, ठीक है, वहां पे इस समय देश में लहर है और इस समय पूरी तरीके से भाजपा की सरकार पावर में है जी, तो ये सब अहंकार जो है बढ़ चढ़ के बोलता है और कई तरीके से आवाजें जो है आपको बहुत जोर से सुनाई देती हैं जी। लेकिन इसी देश ने आई के गुजराल को भी देखा था, इसी देश ने विश्वनाथ प्रताप सिंह भी देखा है, इसी देश ने एच डी देवेगौड़ा ने को भी देखा है। अगर आप इन सबको छोटा कह दें, अगर आप इन सबको नकार दें, इनको प्रधानमंत्री पद को नकार दें, किसी को छोटा तो ये नहीं कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एकजुट कैसे होगा, क्योंकि सब तो अपने अहम में है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरी बात अपनी रख लूँ फिर आप लोग बात करिएगा। इसमें से हर कोई इस पैनल पर बात कर रहा है, अपनी बात को रखने का तो हम लोग अधिकारी है ही। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये कह देना, ये क्या होता है कि जब हम कह देते हैं ना अहंकार और कॉन्फिडेंस में, अगर हम कहें तो उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है मेरा। लेकिन अगर कहते तो सिर्फ मैं हूँ तो ये अहंकार हो जाता है। इस समय यही अहंकार जो है सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है जी। जब आप कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ है ही नहीं इस समय, आप उसका मतलब है कि आप मुद्दों को, आप सोशल मुद्दों को आप सब पूरी तरीके से नकार देते हैं। आप कहते हैं नहीं, महंगाई कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, इसलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। बेरोजगारी मुद्दा हो ही नहीं सकता, हम जो चाहे कर सकते हैं, ये आपको लगता है। जनता क्या कर सकती है? जनता कब किसको उखाड़ के फेंक सकती है? लोकतंत्र की खूबसूरती यही है जी। जिस समय कांग्रेस, जब आप कहते हैं इतना लंबा जब राज की, तो क्या कांग्रेस को बहुत समय एक समय उनको भी लग चुका था कि भाई हम लोग नहीं कहते थे इंडिया मीन्स इंदिरा, इंदिरा मीन्स इंडिया तो बोला जाता था ना तब, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग छवि की जो है हम लोग उसके ऊपर ज्यादा विश्लेषण करते हैं। आज मोदी जी का समय है, लेकिन इंदिरा जी को भी हार चखना पड़ा था। तो मोदी जी ठीक है, एक ओवर द लाइफ इमेज एक हम लोगों ने बना रखा है और एक हम लोग एक नया भगवान तैयार कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है जी। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं, अरे ममता दीदी अपने इधर से, आप राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव को आपने मिला दिया। सीधी सी बात है, ममता दीदी बार बार एक बात कहती है कि देखिए लड़ाई कहाँ पे है। हम लोग ये कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, मैं इनको पार्टी नहीं, मैं इनको एक तरीके से दो ईगो मानता हूँ। ये दो अपने अपने बड़े ईगो हैं, दो बड़े पार्टी हैं, दो बड़े वर्चस्व हैं जी। अगर आपने इस वर्चस्व को माना तो सही है। अब क्या था, जब आप उपराष्ट्रपति पद कर देखते हैं तो इसकी थोड़ी सी समझ, राजनीतिक समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है जब आपने कहा कि भाई नंबर हमारी तरफ थे, तो अगर टीएमसी अगर उधर पे देती पूरी तरीके से, अगर हम वोट दे के अगर हम आगे बढ़ते मार्गरेट एल्वा को, तो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां से वॉकआउट करके उन्होंने एक बात को बिल्कुल क्लियर किया टीएमसी ने, वो ये था कि देखिए अगर गठबंधन बनता है तो अब गठबंधन में वर्चस्व की राजनीति नहीं होनी है। यहाँ पे जो छोटे दल हैं, जो छोटे घटक दल हैं, वो भी अपनी बात रख सकेंगे। यहाँ पे दुश्मनी की बात नहीं थी,
या उन्होंने सोनिया गांधी का अपमान नहीं किया। बात सिर्फ इतनी थी कि हाँ, एक चर्चा के माध्यम से अगर एक नाम बढ़कर आए, जब हम लोगों ने यशवंत सिन्हा का नाम रखा तो यशवंत सिन्हा का नाम सबने मिलकर चर्चा करके सामने रखा था, उसमें से हम लोगों ने शरद पवार जी का भी नाम आगे रखा गया था। हारने का डर, जीतने का डर, हर चुनाव में एक जीतेगा एक हारेगा जी। तो क्या चुनाव लड़े जाने बंद हो जाएंगे? कितने कैंडिडेट्स होते हैं एक चुनाव में? तो एक अच्छा राजनीतिक, जो समझ कर राजनीतिक होगा, वो इस बात को नहीं बोलेगा। राजनीति एक ऐसी जगह है जहां पे जो नेता होता है वो अपना नेतृत्व का वहां पे प्रसारण देता है, उसको जनता कहां पे एक्सेप्ट करती है कहां नहीं करती है, ये लास्ट मोमेंट तक बताना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अब मुद्दों को, सोशल मुद्दों को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप खारिज करते चले आए तो बहुत जल्दी ये अहंकार टूटेगा। लेकिन यहां पे बात हो रही है विपक्ष की भूमिका की, विपक्ष की एकजुटता की, वो कहां दिख रही है? क्या कांग्रेस ये कोशिश कर रही है या फिर ममता बनर्जी की तरफ से कोशिश करी जा रही है, नीतीश की तरफ से? हाँ, ये है कि हाल ही में बयान आया कि सबको एकजुट होना है, लेकिन सिर्फ ये कह देना क्या ये काफी है? अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से इस वक्त जो माहौल देखने को मिल रहा है, हर तरफ मोदी लहर है, पिछले चुनावों में भी देखा, बीजेपी के जितने जो चुनाव होते हैं वो मोदी फेस पे होते हैं, तो उन सबको देखते हुए क्या कांग्रेस को ये सब फेस खड़ा कर पा रही है? क्या राहुल गांधी के अलावा किसी और को मौका देगी कांग्रेस? क्या बाकी अन्य दलों से गठबंधन करा जाएगा? क्या तैयारी है विपक्ष के तौर पर? आप क्या कदम उठा रहे हैं? आप एक राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको, कांग्रेस के अंदर जहां तक मुझे, मेरी पार्टी का सवाल है, उसमें हम राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। पहले एक बात का मैं जवाब दूं, अभी मुकेश जी बड़े साहस के साथ कुछ बात रख रहे थे और सवाल उन्होंने किया कि विपक्ष है कहां। सवाल इस बात का है कि आप भी चाहते हैं आपने महाराष्ट्र का वो नाटक देखा, आपने बिहार का नाटक देखा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा और मोदी जी के चेहरे के नाम पर देश का चुनाव हो रहा है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर मोदी जी के अंदर दम था तो यहाँ उत्तर प्रदेश का कोई चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ाते, मध्य प्रदेश के अंदर किसी चेहरे को सामने ला के चुनाव लड़ाते, राजस्थान में किसी चेहरे को सामने ला के चुनाव लड़ाते। देश के चुनाव पे तो उनका साहस हो जाता है, और ये भी साहस उनको मिला कहां? इस देश के नौजवानों ने, यहाँ की महिलाओं ने, देश की जनता ने इनके बरगलाने में, इनके झूठे वादों में फंस कर इनको वोट किया। फर्जी हिंदुत्व और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे ये सत्ता में तो काबिज हो गए। आज आप कह रहे हैं विपक्ष कहां, इनके साथ के लोग छोड़ के जा रहे हैं। आज शिवसेना इनके साथ नहीं खड़ी है, आज जेडीयू इनके साथ नहीं खड़ी है। कश्मीर में कभी पीडीपी के साथ सरकार बना रहे थे, जिसको देशद्रोही कहते हैं, वो भी आज इनके साथ नहीं है। AIADMK इनके साथ नहीं है। आप समझिए इन चीजों को। आज इनके पास जो इनके घटक दल है, धीरे 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 सारे इनके साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर संख्या की बात करी जाए, अमित जी, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं, अपनी बात पूरी कर रहा हूं। सबकी शिकायत यही है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाए, और वो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी चाहते हैं कि यह देश कांग्रेस मुक्त हो जाए। लेकिन ऐसे कहने से नहीं होगा। दशा 10 साल की चलता है। आपने 10 साल शासन जरूर कर लिया है, लेकिन जो विपक्षी एकता जो इकट्ठा हो रही है, जो चैनलों पे है, तो बाबत राय विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, आप चिंता मत करिए। सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का जो अस्तित्व है, आप जाइए तमिलनाडु में जाइए, केरला में जाइए, दक्षिण के अन्य राज्यों में जाइए, कर्नाटका में जाइए, बीजेपी को वहां मुसीबतें होती हैं। आप तेलंगाना में चले जाइए, आप आंध्रा में चले जाइए, आप उड़ीसा में चले जाइए, कहाँ है मोदी जी? कहीं नजर नहीं आते हैं। उत्तर भारतीय हिंदी भाषी राज्यों में जिस तरह से अनर्गल प्रणाम करके 15 लाख रुपए का दाता देकर 2 करोड़ रोजगार देकर आज ये रेवड़ी की बात करते हैं, अपने रेवड़ी बांटते किसानों को 2000 रुपए पर मंथ ये दे रहे हैं, ये रेवड़ी कहां से आ रहा है? आप रेवड़ी दीजिए तो लोक कल्याण का काम हो गया, और हम अगर रेवड़ी जनहित में दे तो वो रेवड़ी हो गई। आप निश्चिंत रहे, विपक्षी एकता है और किसी को प्रधानमंत्री पद का लालच नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम पूरे देश के अंदर, कांग्रेस पूरे देश के अंदर मोदी का जो झूठ है, जो उनका फरेब है, उसके खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। और जो नीतीश कुमार जी ने एक बात कही कि 2014 वाले को 2024 में नहीं आने देना है, यह बात मुझे लगता है कि सारे क्षेत्रीय दलों के दिमाग में है कि इस बार उस व्यक्ति को जो क्षेत्रीय दलों का भी नाश करना चाहता है, उसे सत्ता से बेदखल करना है। अब आप अपना सवाल जो करना चाह रही है कर लीजिए। शिखा जी, मैं ये बोलना चाह रहा था, क्योंकि अभी हमारे काबिल प्रवक्ता
टीएमसी के शुभांकर जी ने भी बोला और अभी अमित भाई ने बोला। तो शुरुआत में प्रवक्ता टीएमसी से करूंगा जिन्होंने बोला राजनीतिक समझ की बात की। तो मेरी समझ तो है मेरे पास, लेकिन राजनीतिक समझ इनके पास कितनी है तो खुद ही बताएंगे। इनको ये पता होना चाहिए, इन्होंने इसमें जिक्र किया था कि ईगो वाली बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने जिक्र किया ईगो वाली बात। उसके बाद में इन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव का जब जिक्र किया तो इन्होंने बोला कि उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर मार्गरेट आलवा का जब प्रत्याशी घोषणा हुई थी तो इन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी से टीएमसी से पूछताछ नहीं किया, सर्वदलीय बैठक करके नाम घोषित नहीं किया। यानी ईगो वाली बात वहां पे भी आई ना जी। ये होती है राजनीतिक समझ। अगर यहाँ पे राजनीतिक समझ का परिचय देना है तो ये चीजें भी कंपेयर करनी चाहिए। जब आप बोल रहे हो कि ईगो सिर्फ दो ही पार्टियों के अंदर है, तीसरी कोई पार्टी नहीं है, तो फिर बहन फिर दीदी ने ईगो का इश्यू क्यों बनाया? उनका अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि हाँ विपक्ष के साथ है। अब मैं आता हूं अमित गुरु जी के पास। इन्होंने फट से बोला कि भैया मोदी जी के चेहरे की बात हो रही थी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर उन्होंने चेहरा क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री का? शायद मेरे अमित भाई भूल गए, योगी जी ही चेहरा थे। मध्य प्रदेश के आपने जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा थे। सुन तो लीजिए, अरे भैया सुन तो लीजिए, आपने जो सवाल बोले उस पे आ रहा हूँ। राजस्थान का आपने जिक्र किया, उसके अंदर वसुंधरा राजे चेहरा थी। आप कहाँ से हैं, कौन सी दुनिया में हैं आप? मैंने कौन सी दुनिया में वर्क करके नहीं आते हैं क्या? और रही बात आपने जिस प्रकार राहुल गांधी की तारीफ की, जिस प्रकार शुभंकर भाई ने तारीफ की, ममता बनर्जी को गलत नहीं किया? तो जब आप अपने लीडर को पीएम कैंडिडेट मानना चाहते हैं, इसी प्रकार ये भी अपने अपने नेता को पीएम कैंडिडेट मानना चाहते हैं, तो फिर विपक्ष बचा गया? अरे विपक्ष बचा नहीं था, मैं वही तो बोल रहा हूँ। देश की जनता आप सारे लोगों से सवाल करती है, मोदी नहीं तो और कौन? एक चेहरा तो करिए सर्वसम्मति से, एक चेहरा आप तो दे नहीं पा रहे हो और चिल्लाना शुरू कर देते हो कि हम अपने आप को बनाएंगे प्रधानमंत्री। वो अपने लीडर को बनाएंगे, वो अपने लीडर को बनाएंगे, चार चार पांच पांच प्रधानमंत्री बना लीजिए। मुकम्मल जानकारी ऐसे नहीं रोक पाएंगे मोदी को, मुझे पता है। टीवी चैनल नहीं रोक पाएंगे, एनालिस्ट छोड़े गए हैं, डिबेट करने भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने एनालिस्ट छोड़े गए हैं मुझे पता है। प्रधानमंत्री बनने वाले जानकारी रखिए आप, पहले हल्दी लगवाइए। राहुल जी को हल्दी लगवाई तो हल्दी लगी नहीं उनकी जी। आशीष जी आपकी बात होंगी, आप बेशर्मी की तरह से जो मुद्दे पे बात है उस पे तो मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, आपने जो लॉजिक दिया फैक्ट की बात कर रहा हूँ, बेशर्मी की बात आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने योगी के चेहरे पे नहीं लड़ा, मुझे पता है। वर्क करके आए हो, वर्क करके आए हो, वर्क करके तो आए हो आप, वर्क करके तो आए हो। बात करते हैं जानकारी एक सब की नहीं है। मैंने सवाल को आपने बताया, उसी सवाल को मैंने काउंटर किया 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर घोषित नहीं किया था। सबसे बड़ी परेशानी ये है, उसने मध्य प्रदेश के अंदर भी युवराज तीन बार दो राज्यों के अंदर से नहीं है चेहरा घोषित करने की हिम्मत नहीं हुई। यही रात क्या पता है आपको आ जाएगी, ये यही रात उस जीरो पे आ जाएगी। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। नीतीश कुमार की बात करी जाए तो जिस तरह से चैनल पर हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अमित जी आप लौटते एनालिसिस कर रहे हैं, यही एनालिसिस है आपका। मैंने 2017 के इलेक्शन की बात की और 2022 पहुंचाए। 2017 आपने बोला साल का जिक्र ही नहीं बोला। 2017 के अंदर कौन सा चुनाव था भैया? डिबेट खत्म होने के बाद पूरी डिबेट को सुनिएगा। 2017 के अंदर कौन सा लोकसभा का चुनाव था? मैंने 2017 उत्तर प्रदेश मैंने राज्यों के इलेक्शन को लेकर बोला। आपने इसका मतलब पूरी बात मुझे मेरी आपने पूरी बात सुनी ही नहीं। आप भाजपा का एजेंडा जेल में रख के बैठे हुए हैं, आपने पूरी बात सुनी नहीं। आपको दूसरों का एजेंडा को दिमाग में रखना है। आपको रोकना चाहूंगी मैं, अभी आपको समय दिया जाएगा। बीजेपी के एजेंडा दिमाग में रखना है, दूसरों का पैनलिस्टों का आप क्यों सुनेंगे? आपको पूरा समय दिया गया है अमित जी, आपकी पूरी बात भी सुनी गई है, बाकी पैनलिस्ट को भी समय देना। तो हमारे मेरे सम्माननीय पैनलिस्ट हैं जी, बात अन्य पैनलिस्टों की सुना करें जी। यही जो मैं बोल रहा हूँ उसी को नकार रहे हैं। मुझे यहाँ पे मैंने जो बोला वो ऑब्जेक्शन नहीं। उन्होंने क्या बोला कि आप लोगों को एजेंडा दिया गया चैनल के मालिकों पे, ये इस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं चैनल पे गलत है। ये आप एक बार भी अगर ऐसा होता तो आपको बैठाया ही नहीं जाता डिबेट में, आपको बैठाया ही नहीं जाता डिबेट में। अगर आपको बोलने का मौका ना दिया जाता, आपको समय ना दिया जाता, इस तरह से आप जिस तरह से बीजेपी का गठजोड़ ईडी और सीपीआई और इनकम टैक्स के साथ है आप बोलेंगे? ठीक है अमित जी, अगर आप इस डिबेट का मतलब समझ रहे होते अमित जी अगर आप इस डिबेट का मतलब समझ रहे होते तो इस डिबेट का मतलब यही है कि हर जगह पे मोदी मोदी दिख रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। यहाँ पे हम जागरूक कर रहे हैं विपक्ष को, विपक्ष को हम जागरूक कर रहे हैं। अगर बीजेपी के फेवर में होते तो इस तरह से डिबेट ना कर रहे होते, कोई नॉर्मल मुद्दा उठाया होता। मोदी जी
ये आपके आरोप गलत है, आपको अपना आरोप वापस लेना चाहिए, आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। आप ऐसे किसी भी चैनल को नहीं बोल सकते हैं। आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। मैंने आपको प्रॉपर एक एक विपक्षी दल को एक एक प्रवक्ता को पूरा टाइम दिया जा रहा है। आपने बोला है? मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने वही बोला जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। हाँ तो क्या आपकी बात सुनी नहीं जा रही है? ऑन स्क्रीन आपकी बात सुनी जा रही है, आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से ये बात पूरी चर्चा चल रही है और सभी अपने अपने दल के कैंडिडेट्स को पीएम फेस बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सब में ये मंशा है। और नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो क्या लगता है नीतीश अगर पीएम फेस बनते हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं, विपक्ष से बात करते हैं, तो क्या उनको समर्थन मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस पूरा पूरा समर्थन राहुल गांधी को देती है, टीएमसी अपना ममता बनर्जी को समर्थन देती है, तो क्या लगता है विपक्ष कैसे समर्थन देगा नीतीश को अगर नीतीश पीएम फेस बनते हैं तो? देखिए शिखा जी, अगर विपक्ष एक नहीं होगा जी, ठीक है, तो बहुत यही होता रहेगा कि तमन्ना मन में, मन की मन के अंदर रह जाएगी जी। लेकिन अभी तक मेरे कुछ दोस्त साथियों ने उदाहरण दिया, राष्ट्रपति चुनाव का उदाहरण दिया, कुछ साथियों ने उपराष्ट्रपति चुनाव का। देखिए मैं अभी तक राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, ये सब राजनीतिक चुनाव होते हैं, और लोकसभा का चुनाव एक आम जनता का चुनाव होता है। उसमें राजनीतिक मुद्दे इस बार भाजपा के बहुत खिलाफ जाएंगे। गरीबी की चरम सीमा पे, जो गरीबी पर मार पड़ रही है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही है, मेरी समझ ये कहती है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आज आम आदमी जो है वो किसी और चीज से उसको कोई मतलब नहीं रहता, उसको 2 जून की रोटी से अपने घर के कपड़े से मतलब रहता है, वो आज महंगाई की मार झेल रहा है। भले से मोदी जी ने कुछ भी किया हो देश के लिए, मार्ग बताए, मैंने चांद पे पहुंच गया, मैंने ये करवा दिया, उससे नहीं, आम जनता, आप घर में अगर भूखे बैठे हैं जी, और बाहर आप लंगर चलवा रहे हैं, तो आपका लंगर बेकार है। आज आप देखिए कि कोई भी घरेलू सामान ऐसा है जो आज सस्ता है, जिसे आम आदमी की पहुंच में हो जी। आपने ये तो जता दिया कि आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांट दिए, ये बांट दिए, सिलेंडर को रिफिल करने की आज पोजीशन कहाँ आ गई है, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है जी, जबकि वही 400 रुपए का जब सिलेंडर कांग्रेस के समय में था, तो मोदी जी चिल्लाते थे, गला फाड़ते थे अपना कि महंगाई बहुत है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि आम जनता इस बार महंगाई को मुद्दा बनाएगी। आशीष जी, इतने समय तक एनडीए के साथ आपकी सरकार थी, तो ये मुद्दे तब क्यों नहीं उठाए गए? अब आप अलग हो गए तो अचानक सबको इन मुद्दों की भी याद आने लगी। अलग होकर उठाता है अभी हमारे नेता ने, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा ना कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था, इसीलिए वो अलग हुए हैं। उनकी बातें अगर सुननी जा रही होती और उनकी राय मानी जा रही होती तो वो अलग क्यों होते? हमारी जो बातें, हमको निगरानी, हमको अनदेखा किया जा रहा था, उसीलिए तो हम अलग हुए हैं जी। अब आई विपक्ष की जो बात आ रही है इतनी देर से डिबेट में कि एकजुट होने की बात जी। हम आ रहा ये कि सभी दल आज कुछ भी हो, जब एक टेबल पे बैठेंगे 2024 से पहले, देखिए भविष्य के गर्त में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। आज हो सकता है सबको अलग दिख रहे हो जी। और हमारे प्रवक्ता भाई सुभाष जी अभी बहुत अच्छे से भाजपा की तारीफ कर रहे थे, ठीक है कि कोई छोटे विपक्ष है कहाँ, जब विपक्ष एकजुट होगा तब ये पूछा जाएगा कि भाजपा कहाँ है जी। और 24 से पहले विपक्ष एकजुट होगा ये विश्वास बांध के रखिए। सारे लोग क्योंकि त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार से, सारे छोटे दल, घटक दल जितने हैं छोटे छोटे, उनको अपने मतलब पे गले लगाती है ये, मतलब निकल जाने पे उनको किनारे कर देती है। तो राजनीतिक पार्टियां भी अच्छे से जान चुकी है इनकी रणनीति को, और आम जनता तो भुगत ही रही है जी। तो 24 से पहले कि ये हर हालत में परिवर्तन, एकजुटता करके एक पीएम का चेहरा बनाया जाएगा, उसमें कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि हमारे माननीय नेताजी होंगे, हमारे नेताजी ने तो अपनी इच्छा भी नहीं की है, अभी दिन भी कहा था कि मुझे कोई दावेदारी नहीं की है। लेकिन हाँ ये सत्य है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ और आपस में खींचातानी मचाई रखी, राहुल जी सोचे मैं प्रधानमंत्री बनूं, ममता जी सोचे मैं बनूं, ये अगर चलता रहा तो वाकई में भाजपा को कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, विपक्ष को ये सोचने की भी जरूरत है। विवेक जी, जेपी नड्डा का बयान सामने आया था कि अगर हम बीजेपी की इन्हीं नीतियों पे चलेंगे तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, आखिर वो नीति कौन सी है? देखिए शिखा जी, जी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की नीति पे चलती है जी, लेकिन विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है। वहां पे ईडी में उलझा दिया और बाकी एजेंसियों में उलझा दिया और यहाँ पे अपना एजेंडा आगे चल रहा है। देखिए ईडी में उलझा नहीं दिया, ईडी से लोग उलझ गए जी।
जब भ्रष्टाचार किया है, मजबूत हुई तो वहाँ पे जो है वहाँ पे ईडी की कार्यवाही, ममता बनर्जी मजबूत हुई तो वहाँ पे भी कार्यवाही चल रही है। नहीं, मजबूत होने पे ईडी की कार्रवाई वाला विषय नहीं है शिखा जी, ये जो बरामदगियां हुई हैं, जो ये छापे पड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के उससे नहीं पड़ रहे हैं, ये ईडी डाल रही है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, ये 550 करोड़ रुपए की जो बरामदगी हो रही है जी। ये पैसे को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ले जा करके अर्पिता मुखर्जी क्या नहीं रखे, ये नेशनल हेराल्ड के कार्यालय में जो छापे पड़ रहे हैं, नेशनल हेराल्ड के में घपलेबाजी कोई कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नहीं किए, वो सोनिया गांधी राहुल गांधी जी ने की, जो उस पर वो जमानत पे हैं जी। और उसी में ईडी छानबीन कर रही है। तो ये सब विषय जो इन लोगों ने किए हैं, जो बोए हैं, वही काट रहे हैं। अब ईडी अगर जांच के लिए बुला रही तो जाना चाहिए। अब जैसे हमारे अमित जी ने संजय राउत जी का नाम लिया, तो पात्राचाल में जो घोटाले में उनका नाम आया, उसमें ईडी जांच कर रही है। पात्राचाल से बीजेपी के कार्यकर्ता का तो कोई संबंध है नहीं जी। उसमें जो किए हैं वही तो लोग पूछ रहे हैं, तो जा करके बताएं। अब ऐसे में धरना प्रदर्शन करना, संवैधानिक संस्थाओं के विरोध, इस तरह का विरोध आंदोलन करना, ये उचित नहीं है। अच्छा, ये चूँकि अमित जी को ये मेरी बात समझ में इसलिए नहीं आएगी कि ये जिस दल से हैं, इनका दल लोकतांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध इसी तरह की गतिविधियां करने के लिए जाना जाता रहा है। जब इंदिरा गांधी के ऊपर मुकदमे चलते थे तो संजय गांधी के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता रायबरेली की अदालतों में जाके हो कर देते थे, अदालतें बंद हो जाती थी। ये हमेशा से अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर समझते रहे हैं, तो इन्हें नहीं समझ में आता है कि ईडी बुलाइए तो जाना चाहिए। अमित जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि विवेक जी ने सीधे तौर पर आप ही पर आरोप लगा दिया कि इन कामों के लिए आप ही जाने जाते थे। दो सीधा सवाल करता हूँ, उसी में इनका जवाब भी है जी। सबसे पहले तो 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी या भाजपा के किसी भी घटक दल के किसी एक नेता का नाम बता दे जिसके खिलाफ ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की हो। दूसरी बात, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, महेश शाह का नाम ये भूल गए। गुजरात में 13,000 करोड़ रुपए कैश मिले नोटबंदी के दौरान, उस महेश शाह के नाम को दफन कर दिया गया क्योंकि अमित शाह का नाम जुड़ रहा था। जिस तरह से गुजरात के पोर्ट पे ये मादक पदार्थ मिले 1,000 करोड़ रुपए के सारे मामले दफना दिए गए। आप समझिए, ये लोग अपने दल या अपने दल से जुड़े लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। और विपक्षी दलों से जो इनसे टकरा रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी टकरा जाए, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी टकरा जाए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के लोग टकरा जाए, चाहे कांग्रेस के लोग टकरा जाए, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स तुरंत सक्रिय हो जाती है जी। और अब तो इस देश में ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स ये अपनी गरिमा आप कैसे बचाएगी, अब तो ये खुद अपने आप में लड़ रहे हैं जी। ये वही देश है जिस देश के सीबीआई के दफ्तर में सीबीआई ने छापा मार दिया जी। आप समझिए चीजों को, यानी कि अपनों को बचाएंगे और विपक्षी पार्टियों पे कार्रवाई करवाएंगे। शुभांकर जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी भी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही हैं और आवाज उठा रही हैं ईडी के ऊपर और इन सब तमाम जितने भी काम चल रहे हैं, जिस तरह से प्रदर्शन विपक्ष का देखने को मिल रहा है, ममता बनर्जी की भागीदारी भी है इसमें। चलिए, मैं इसको बहुत आसानी से रखता हूँ कि देखिए क्या है कि पहले तो समझ की बात है। समझ की बात कैसे है कि अगर आप सोचते हैं कि पार्थ चटर्जी, उन्होंने इतना बड़ा घपला किया, यानी बहुत दिमागी आदमी रहे होंगे, घपला करने के लिए बहुत प्लानिंग की, लेकिन 2016 से उन्होंने सारे दस्तावेज और सारे पैसे एक कमरे में खुला छोड़ के, कमरा बाहर से दरवाजा बंद कर ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये भी थोड़ी सी सोचने की बात है। अच्छा, मैं उस सब तो बातें आप देखिए, ईडी और सीबीआई बहुत अच्छा जानेगी, उसके ऊपर मैं वो कहने वाला कौन होता हूँ। जब कांग्रेस थी तो उस समय ईडी सीबीआई पर जो जांच के पर जो उंगलियां उठाती थी, वो आज सत्ता पक्ष में है ना। तो अब वो वहीं से सीखी या क्या सीखी है, उसको जिस तरीके से वो चला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं और भी चीजों को मैं प्रूफ में लाता हूँ। अब देखिए, मुकुल राय, ठीक है ना, अब हमारी पार्टी के साथ हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं देश के, ये माने जाते थे, ठीक है। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। शारदा कांड पहले बहुत पीटा जाता था, हर एक चैनल पे यही ढिंढोरा पिटता था जी। उसके बाद शारदा कांड के मुकुल राय को जब ये लेके जाते हैं, उसके बाद वो साफ हो जाते हैं, उन्होंने उनको क्लीन चिट दिया और फिर उंगलियां उठी उनके जो दूसरे जो पार्टनर थे, यानी शुभेंदु अधिकारी,
नारदा और शारदा दोनों में उनका नाम उठा, अब नारदा और शारदा का नाम उठना ही बंद हो गया। सवाल ये नहीं, अगर पार्थो चटर्जी दोषी हैं, वो मंत्री पद में नहीं है, उनको एक हम लोगों ने वो टेम्परेली सस्पेंशन में डाला, सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर वो दोषी पाए जाए उनको आप फांसी पे चढ़ा दीजिए, सब कुछ करिए जी, लेकिन दोषी पाए जाने पर क्या बीजेपी में ले जाके आप सफाई करने वाले हैं? सफाई करके वो सारी चीजें फिर एकदम इक्वेट हो जाएंगी जी। क्या ये चीजें आने हमें दिखने वाली हैं? तब तो शक पैदा होगा जी। अगर शक नहीं पैदा होना है तो फिर कार्रवाई करिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। बिल्कुल सही बात। एक चीज अभी मैं अभी सुन रहा था, आशीष जी कह रहे थे तो बात बिल्कुल सही है, हम लोग बहुत सारी बातें भूल गए। जो बातें हम लोग भूल गए, महाराष्ट्र में ट्रक में लदे हुए पैसे मिले थे जिस समय देवेंद्र फडणवीस वहां पे मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अचानक वो बात एकदम से दबा दी गई, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। उस समय पता नहीं क्यों वो सो रहे थे, हो सकता है नहीं पता चला हो, बाद में वो फिर से एक बार खंगालेंगे दिख जाएगा जी। फिर गुजरात की बात आई, गुजरात में आपने आजकल अचानक पता नहीं नीरव मोदी जी की कोई आवाज, कोई बात नहीं सुनने में आ रही, उनको वापस लाने की बातें नहीं हो रही है, अचानक मेहुल चौकसी को हम लोग भूल गए हैं, उनकी बातें नहीं हो रही है जी। तो कहीं ना कहीं इन बातों पर शक पैदा होता है कि ईडी सीबीआई हर चीज को आधा आधा करके छोड़ क्यों दे रही है, आधा इस पर से किया फिर छोड़ दिया, क्या यहाँ पे कोई अलग से साठगांठ होती है? तो जनता ये सभी तो कहीं ना कहीं सोच तो रही होगी ना कि पुराने चीजों का क्या हुआ, उन बातों का क्या हुआ, चाहे वो हमारे पार्टी में हो चाहे किसी पार्टी में हो जी। अगर आपने किसी एक इंक्वायरी को शुरू किया तो उसको फिर आपने उसके एंड तक क्यों नहीं पहुंचाया? विपक्ष पे इसे इनकी कार्यवाही होती है। आशीष जी, अभी तक हमने देखा कि जो भी विपक्षी पार्टी मजबूत होती है उसके ऊपर ईडी सीबीआई आईटी इन सब की कार्यवाही होती है, और अब जिस तरह से बिहार में अलग राजनीति देखने को मिल रही है, क्या लगता है नीतीश और तेजस्वी पर एक बार फिर से कार्यवाही होगी क्या? देखिए, भूल जाए नीतीश जी के ऊपर कार्यवाही करने के लिए तो जी, क्योंकि हमारे नेताजी ने आज तक किसी भी घोटाले में ना तो उनका नाम आया है जी। ना ही वो किसी घोटाले में लिप्त रहे हैं या बेईमानी के, जिस व्यक्ति के सुपुत्र राजनीति तक में नहीं है, उन्होंने मना कर दिया मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो किसके लिए पैसा कमाएंगे जी। वो किसके लिए जोड़ के रखेंगे? वो कोई ऐसे नेता नहीं है जो अपना घर, अपने राज परिवार, अपने खानदान को बढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उनके ऊपर तो सपना ही ढूंढते रह जाएंगे, ये लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि भाजपा का ये नीति है कि जो विपक्षी है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है, जब तक वो उनका दोस्त रहता है तब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है जी। जहां दोस्ती टूटती है या अलग हो जाता है तो कार्रवाई हो सकती है जी। बिल्कुल, कार्यवाही तो होती है। सुभाष जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार सब पे कार्यवाही हो रही है उसको देखते हुए, क्या इसी तरह से सब चलता रहेगा, बाकी सब अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने में और इस तरह से प्रदर्शन करने में, सीबीआई आईटी ईडी इन सबके प्रदर्शन में ही लगे रहेंगे, और बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करती रहेगी? शिखा जी, बिल्कुल सही बात है, बीजेपी अपने आप संगठन को मजबूत कर रही है, लेकिन यहाँ पे मैं जेडीयू के जो महामंत्री जी बैठे हैं, आशीष जी का बहुत बड़ा साधुवाद अदा करूंगा, धन्यवाद अदा करूंगा, वो मेरी बात से सहमत हुए। उन्होंने स्पष्ट बोला इस डिबेट के माध्यम से कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो 2024 के अंदर मोदी जी को रोकना नामुमकिन। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो भी विपक्ष की धुरी हैं। वही चीज टीएमसी के प्रवक्ता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वही चीज अमित गुरु जी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और लेकिन आशीष जी ने पूरी साफ गोई से, पूरी ईमानदारी से उस चीज को स्वीकार कर लिया जो पिछले एक घंटे से इस डिबेट के अंदर मैं बोलता आ रहा था जी। दूसरा, जो ईडी की बात चल रही है, सीबीआई की बात चल रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात चल रही है, मेरा यहाँ पे मानना है कि संवैधानिक संस्थाएं अपनी जांच कर रही हैं, किस आधार पे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, वो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर विपक्ष के नेता अगर घोटालेबाज नहीं है तो डर किस बात का? क्यों डर रहे हो आप? आपने कुछ किया तभी तो डर रहे हो ना, तो जब डर रहे हो इसका मतलब कुछ किया है, तो जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, जांच एजेंसियों का बहाना बनाकर अपने आप के ऊपर जो आ रहे हैं खतरे उससे बचे नहीं जी। यहाँ पे जो विपक्ष की जो बात चल रही थी, मेरे दोस्त वांकर जी ने बात बोली थी डिबेट के माध्यम से कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव का जिक्र किया था उन्होंने, शुभांकर जी ने बोला कि हमारा वोट कुछ बड़ा काम नहीं कर पाता। शुभांकर जी, जब आपका वोट कुछ बड़ा काम नहीं कर पाता तो फिर आप हारने वाले लोगों का सहयोग क्यों करते हैं? मैं जवाब दे दूं जी? बिल्कुल जी, आप ही सवाल है। शिखा जी, सबसे पहली बात ये है, मैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं सुभाष जी, सुभाष भाई का मैं तब से नीचे देख रहा था कि एक पार्टी का नाम आ रहा है, जनता संघर्ष मोर्चा। पार्टी नहीं हो,
तो जनता संघर्ष मोर्चा, चलिए पार्टी ना सही, एक मोर्चा तो है जी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी मोर्चा ज्यादा दिख रही है। वो जनता संघर्ष का कहीं बातचीत के अलावा उनको ईडी के बारे में पता है, सीबीआई के बारे में पता है, उनको भारतीय जनता पार्टी के सारे एजेंडे के बारे में पता है, कैसे काम करती है उसके बारे में पता है, सब कुछ पता है, सिर्फ जनता संघर्ष के बारे में नहीं पता। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शायद उनको नहीं समझ में इसलिए आएगा क्योंकि उनके मोर्चा का कोई इससे कोई न प्रधानमंत्री पद से लेना देना है, ना उनके पास कोई दावेदारी, ना कोई बात, तो इसलिए मैं उसको, मैं ज्यादातर उनके जो जितने व्यक्तिगत राय है उनको सीरियसली नहीं लूंगा। अब बात आती है जहां पे इन्होंने अभी सवाल किया कि जहां हमने कहा कि दिखाने का, देखिए दो तरीके की चीजें हैं इसमें, अगर आप समझ सके तो समझिएगा कि ये जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव आप जाने दीजिए, वो तो बात हो गई, राष्ट्रपति एक उसमें से, अभी आशीष जी ने भी अभी कहा, जिनके अभी तारीफ कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि देखिए वो एक, वो जो चुनाव है उसमें जनता का चुनाव नहीं होता, जनता वोट नहीं डालती उसमें। जब आप एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जाते हैं उसमें जनता के जो नुमाइंदे होते हैं वो अपने पक्ष का वोट रखते हैं, उसकी खुद की एक वैल्यू होती है जी। हमारी जो वैल्यू कुल निकल के आती थी, नेचुरली सी बात है कि जगदीप धनखड़ जब तक रहे बंगाल में, वहाँ पे जब तक रहे, तो आपने देखा कि भाई हमारा जो कंटिन्यूसली जो एक जो संघर्ष जो उनके साथ चल रहा था वो लगातार बना हुआ था। लेकिन जब उपराष्ट्रपति पद की बात आई तो बात ये थी कि वो तो भाई भाजपा से थे, कोई बात नहीं थी, वहाँ पे हमारा अगर वोट काउंटिंग में नहीं आता तब हमारा एक और लक्ष्य ये था कि भाई मार्केट अल्वा का नाम आया था, मानते हैं। हमारा कहना यह है कि भाई हम लोगों से उस समय राय एक सबसे जैसे मशवरा किया जाता है, जैसे हम लोगों ने यशवंत सिन्हा को जैसे राष्ट्रपति पद के लिए जब बढ़ाया था तब नहीं हुआ, ये एक मैसेज गया। अगर आप इसको समझे तो आंतरिक जीत इस बात की थी कि जब कभी महागठबंधन बने तो एक सोच, एक विचारधारा के साथ बने, किसी वर्चस्व पे ना बने। ये एक सिग्नल गया था जिसकी एक, जो जिसको कहते हैं ना कि एक सिग्नल की एक जीत थी, एक वो एक, एक आप कह सकते हैं एक, एक उन्होंने एक मैसेज पहुंचाया कि यहाँ पे वर्चस्व नहीं, जब एक गठबंधन की बात होगी तो गठबंधन में सभी की बातें ली जाएंगी, सबको एक साथ में लिया जाएगा, वहां पे एक विचारधारा के साथ सब लोग चल सकते हैं। जी अपनी बात रखिए कम शब्दों में। शुभंकर जी, यानी आपने एक्सेप्ट कर लिया जो डिबेट के माध्यम से आपने बोला था कि राजनीतिक के रूप से अगर देखा जाए तो दो ही ईगो है, यानी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं अभी कि आपकी सुप्रीमो भी ईगो बना सकती है, क्योंकि अगर ईगो नहीं बनाती तो मार्केट अलवा के सपोर्ट के अंदर वो आती है। दूसरा, आपने राजनीतिक वैल्यू की बात की ना, तो मैं राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर आ जाता हूँ। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वेलू के अंदर आपने फट से मुझे बोल दिया कि जनता संघर्ष मोर्चा है, जनता का संघर्ष तो नहीं हो रहा, लेकिन ईडी का काम कैसे कर रही हूँ आपको पता है, भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूँ। आपने सवालों को घुमा के अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति चुनाव के अंदर विपक्ष की वैल्यू 51% थी और एनडीए की वैल्यू 49% थी। अगर विपक्ष एकजुट होता तो कड़ी टक्कर दे पाता, आपने टक्कर दी, तो अपने आप को बचाने के लिए किसी और के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न करके अपने गिरिबान में तुम झांक के देखे कि विपक्ष कर क्या रहा है। जी, विपक्ष एकजुट नहीं है, बिखरा हुआ है, तो पहले वो एकजुट हो जाए तब वो मोदी को रोकने का विचार करे। संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ, दो बातें। सुभाष जी जनता संघर्ष मोर्चा से आते हैं, मेरे जवाब पे थोड़ा असहज हो रहे थे, उनको बुरा लग रहा था। दो बातें मैं उन्हीं की बात करता हूँ। एक तो जब से डिबेट में आप हैं, आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के अलावा किसी आधार पे बात नहीं किया। उसमें अगर डिबेट हो तो बड़ा लंबा बहस होना पड़ेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनाव के लिए। दूसरी चीज, इन्होंने कहा ईडी से क्यों डर रहे हैं लोग। अरे भाई कौन डर रहा है ईडी से? अमित जी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात से भी उदाहरण के तौर पे हुई थी, यहाँ पे था कि विपक्ष की एकजुटता। अगर देखिए देखिए सिखा जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं आपका गेस्ट हूँ जी, आप पार्टी मत बनिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जो जवाब इनको देना होगा ये देंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इन्होंने कहा कि ईडी से डर क्यों रहे हैं। राहुल गांधी से 12-12 घंटे, 6-6 घंटे सोनिया जी से पूछताछ हुई, जितनी बार बुलाया गया लोग पहुंचे। कौन डर रहा है भाई? ईडी और सीबीआई के लोग तो सत्ता पक्ष से डर रहे हैं। वास्तव महेश शाह के पास नहीं पहुंचे, वो आज तक जय शाह के पास नहीं पहुंचे, हजार सैकड़ों गुना उनका धन बढ़ गया, आज तक जय शाह के पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। बीजेपी के तमाम नेता जिनकी संपत्ति आज से अधिक है उनके पास ईडी को पहुंचने, ईडी खुद डर रही है सत्ता पक्ष के लोगों के पास जाने के लिए। और जहां ईडी कार्रवाई कर रही है वहां तो लोग शांत जाइए, संजय राव से पूछिए, हंसते हंसते उस आदमी ने कहा कि चलो मैं आता हूं, पूछो मुझसे जितने सवाल पूछने हैं। जांच प्रक्रिया जांच है तो जांच हो रही है, वो हमारे ऊपर आरोप थोड़ी है। लेकिन जिस तरह से ईडी और सीबीआई का आप दुरुपयोग कर रहे हैं कालांतर में, इसके
इसके जो उदाहरण है, जो मैसेज जाएंगे वो बड़े खराब जाएंगे, और आपको दोनों पक्ष पे बोलना पड़ेगा। यह ईडी सत्ता पक्ष पे रेड डालने के लिए क्यों डर रही है? अभी शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय की बात आई, इस नाटक को पूरे देश ने देखा। इतना बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के दो मुहेपन का, इतना बड़ा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी देश में नहीं मिलेगा। किस तरह से मुकुल राय को गंगा में नालवा के साफ सुथरा करके भेज दिया गया, किस तरह से शुभेंदु अधिकारी के साथ हुआ, आप समझिए किस तरह से दोहरी मानसिकता के साथ बीजेपी के लोग, और मुख्य रूप से जो हम दो और हमारे दो हैं, इन चार लोगों से जो देश की सरकार चल रही है, किस तरह की सियासत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए खतरा है जी। और इसमें हम आप जैसे सम्मानित चैनलों से ही आग्रह करेंगे, आपको भी तटस्थ होना पड़ेगा, आप स्वयं में विपक्ष हैं, आपको खुद विपक्ष की भूमिका में आना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं ऐसे झूठे और फरेबी लोगों पे नकेल कस पाएंगे। ठीक है अमित जी, आशीष जी आप अपनी बात रखिए। मैं अभी यही बता रहा था आपको, ईडी और वगैरह सीबीआई की जो बात हो रही थी जी, ये बात सत्य है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है जी। अभी आप एक न्यूज चैनल पे रूबिका लियाकत जी ने संबित पात्रा जी से एक सवाल पूछा था, वो मेरी बाकी थी कि मैं पूरा नहीं देख पाया, सवाल सुना था उनका, उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि भाजपा के नाम पे ईडी सीबीआई, ईडी को क्या कोई निकल दिख के नहीं आता है जी। क्यों ईडी को सिर्फ विपक्षी दलों के लोग दिखते हैं? लेकिन इत्तेफाक ऐसा था, संबित पात्रा जी का जवाब आता तब तक मैं लाइट चली गई थी, मैं टीवी नहीं देख पाया, लेकिन एक मैसेज यह सुनने मिला कि मीडिया भी इस चीज को अच्छे से जान रहा है कि ईडी सीबीआई का यूज किस तरह से किया जा रहा है जी। इसीलिए सवाल उठाया गया है कि कोई भी विपक्षी पार्टी मजबूत होती है तो उनके जो नेता हैं उनके ऊपर आखिर कार्रवाई कैसे अचानक से शुरू हो जाती है। विवेक जी आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पे हमने विपक्ष के तमाम नेताओं से तो बात कर ली, प्रवक्ताओं से बात कर ली, और ये तो जान लिया कि वो अपने अपने कैंडिडेट को पीएम फेस बनाना चाहते हैं। हालांकि सभी की मंशा होती है कि उन्हीं का नेता जो है प्रधानमंत्री बने या फिर कोई बड़े पद पे जाए। तो हम अब भाजपा से जानना चाहते हैं कि जो 2024 का चुनाव होगा वो किसके फेस पे होगा? क्या सारे चुनावों की तरह पीएम मोदी के फेस पर ही होगा, पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर उम्र का दायरा देखते हुए कोई नया चेहरा होगा, योगी या शाह? देखिए शिखा जी, नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उम्र के दायरे में भी अभी वो आते हैं, उसके बाहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सब उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। यानी कि पीएम फेस पीएम मोदी ही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। सुभाष जी, शिखा जी, अमित गुरु जी ने जो सवाल किया था उसका थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं। इन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव की जो बात बार कर रहे थे कि सुभाष जी बार बार वही बात बोल रहे हैं, तो अमित गुरु जी वर्तमान में यही चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये चुनाव विपक्ष की एकता की धुरी साबित होते अगर पूरा विपक्ष एकजुट होता। हार जीत अलग चीज है, लेकिन आप अगर सत्ता पक्ष को थोड़ी सी भी अगर चुनौती दे पाते तो 2024 के अंदर आपकी एकता कहीं ना कहीं कोई नया गुल खिलाती। अब आते हैं ईडी के ऊपर। ईडी के ऊपर जो बार बार आप बात कर रहे जांच एजेंसियों की, दुनिया भर के आपने जो जिक्र कर दिए ना, तो उस जिक्र पे आने से पहले एक उदाहरण दूंगा मैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बोल दूंगा, आपको ना तो संजय राउत से कोई तकलीफ है, न ही आपको पार्थ चटर्जी से कोई तकलीफ है, ना मुकुल राउत से कोई तकलीफ है। आपको तकलीफ इस बात से है कि नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी को 12-12 घंटे बुला के क्यों पूछताछ की गई, आपको तकलीफ वो है। आप बोलते हैं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आपकी सरकार थी, जो सरकार अभी बिहार के अंदर आई है फिर से, वही लालू यादव जी चारा घोटाले के अंदर शामिल थे, आप ही की सरकार ने सीबीआई की जांच बिठाई थी और उनको आरोपी साबित किया था, क्यों भैया? अभी यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि आपने दुरुपयोग किया लालू यादव को फंसाने के लिए, तब तो बगले झांकने लगोगे इधर से उधर, बगले मत झांको। मुद्दों के ऊपर अगर आएंगे तो मुद्दों के ऊपर भी आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। जांच एजेंसियां वही कर रही है जो आप दिखा के गए हो। ठीक है अमित जी, आप सुन पा रहे? अमित जी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा अमित जी से। शुभांकर जी आप क्या कहेंगे? देखिए शिखा जी, डिबेट किस बात पर है? डिबेट इस बात का है कि भाई 2024 में क्या होगा, डिबेट यहाँ से शुरुआत हुई थी जी। अभी कई बातें हम लोग, हाँ पीएम फेस कौन है, तो बात वहीं पे मैं बार बार उसी पे आता हूँ कि देखिए चीज ये है कि सारी पार्टियों को जहाँ जहाँ उनके खेमे हैं वहाँ पे उनको पूरी जोर से लड़ना है, ये बात जो विपक्षी गठबंधन है वो समझता है। क्या ममता बनर्जी विपक्ष को एक करने के लिए कदम उठाएंगी?
शिखा, मैं थोड़ी सी मैं अपनी बात को खत्म कर लूंगा कि देखिए गठबंधन की जो राजनीति है उसे कोई नहीं नकार रहा। अभी तक आपने देखा कि ना विवेक जी ने भी इस बात को नहीं कहा कि नहीं हम बीजेपी बन के लड़ेंगे, हकीकत है उन्होंने कहा कि नहीं एनडीए भी इस बात को मानती है। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन एनडीए, अगर एनडीए है तो आप भी एक गठबंधन में है। अगर गठबंधन है तो क्या गठबंधन में समस्त पार्टियों का, छोटा बड़ा समस्त पार्टियों का क्या सम्मान है या नहीं है? जब विपक्षी गठबंधन बनेगा या जिस समय चुनाव आएगा, जो मेन जो आपका जो गठबंधन एनडीए गठबंधन भी है, क्या उसमें भी सारी पार्टियां ये देखेंगी कि नहीं देखेंगी, क्योंकि उनका अस्तित्व बचा रहे? और जब अस्तित्व की लड़ाई की बात आती है तो हर एक पार्टी अपने अपने क्षेत्र में अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करेगी। तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है कि कोई पार्टी अपने पार्टी को, अगर मतलब उन अपने नेता को बड़ा दिखाना चाहे, ये होता है। लेकिन सीटों की राजनीति है, सीट की राजनीति होती है। अगर एनडीए में घटक दलों के सीट बढ़ जाती है और बीजेपी अचानक कमजोर हो जाती है तो आप ये देखेंगे कि उसमें भी जो नेतृत्व को लेके तब संघर्ष शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आशीष जी, नीतीश कुमार ने तो नहीं कहा कि वो अभी नेतृत्व करेंगे, वो पीएम बनेंगे, लेकिन अगर बात करी जाए सपोर्ट की, अगर वो पीएम फेस नहीं बनते हैं तो वो आखिर किस चेहरे को सपोर्ट दे सकते हैं? ये महागठबंधन के साथ वो रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। और ये अभी कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि किस फेस को सपोर्ट। अभी यही आ जाएगा कि मोटी सी आपको बताएं, अगर हमने कह दिया कि हम फला व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे तो ये फिर अभी हमारी ही आपस की एक एकजुटता नहीं दिखाई देगी। जी, वो शीर्ष नेतृत्व है सारी पार्टीज के, सारे महागठबंधन के, वो कार्य उनका है बैठ के डिसाइड करने का कि कौन फेस रहेगा, कौन नेतृत्व करेगा। मैं सिर्फ ये जानता हूँ और यही एक कहना चाहूंगा, अगर मेरे माध्यम से मेरे शीर्ष नेतृत्व सभी पार्टियों के सुन रहे हो कि एकजुट होना है। आप अपनी पर्सनल ईगो को छोड़ दीजिए और सिर्फ महागठबंधन को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पे ध्यान दे अभी हर आदमी, हर पार्टी। जी, तो कहीं ना कहीं ईगो है और इस बात को खुद भी कहा है आशीष जी ने कि पार्टियों में ईगो है तभी वो अपने पार्टी के बड़े नेताओं को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमित गुरु जी, आपसे आखिरी क्वेश्चन, आपको समय दिया जा रहा है ताकि आप ये ना कहें कि विपक्ष को समय नहीं दिया जाता है। आप इस डिबेट में क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाएगा या फिर महागठबंधन को स्वीकार करेगा जो पार्टियों का ईगो है उससे दरकिनार करके किसी और चेहरे को भी कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, इसमें कोई संशय नहीं है कि राहुल गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। चूंकि यूपीए तमाम घटक दलों का एक समूह है जी। और हर बार, चाहे 2004 का चुनाव रहा हो, चाहे 2009 का इलेक्शन रहा हो जी। यूपीए इलेक्शन के बाद ही हमने सारी चीजें तय करी है, सभी दलों को इकट्ठा बैठा के विचार विमर्श के द्वारा। और आज भी व्यक्तिगत तौर पे न तो राहुल गांधी जी, न तो अखिलेश यादव जी, न तो नीतीश कुमार जी, न तो ममता बनर्जी जी, किसी ने व्यक्तिगत ये नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर की दावेदार हूँ जी। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी पर भरोसा जताती है, ये भी साफ हो गया है कि वो परिवारवाद से नहीं निकलना चाहते। मैं आपको क्या क्या परिवारवाद है मैं आपको बताऊंगा। आप चले जाइए, कितने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस में, क्या किसी को मौका दिया क्या कांग्रेस में? नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं जी, परिवारवाद, आप क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है जी? क्या मुझे उन सारे नेताओं का नाम लेना पड़ेगा जिनके बेटे बेटी आज भी सांसद है, आज भी विधायक है, आज भी उनको चुनाव लड़ाया जाता है? नगर निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर 100% बड़े नेताओं के बेटे बेटियां चुनाव लड़े हैं। देखिए, कुल मिला जुलाकर परिवारवाद अलग चीज है, योग्यता अपनी खुद की अलग चीज है। आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर मोदी के खिलाफ, व्यक्तिगत तौर पे उनके कुशासन के खिलाफ, लोकतंत्र पे हो रहे हमले के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक चुनाव की बात है, तमाम राज्यों में हमारी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, सब दमखम के साथ लड़ रही हैं और मिलजुल कर, यही तो स्पष्ट कर रहा है कि हम एक हैं, क्योंकि किसी ने कुर्सी की लालच अभी तक नहीं करी है। हमको ये है, नीतीश जी ने कहा 14 को 24 में नहीं आने देना है, हम उस नीति पे काम कर रहे हैं, हमें हमारे नेता पे भी विश्वास और भरोसा, और उनके नेतृत्व में ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से, अमित गुरु जी कांग्रेस से, आशीष सक्सेना जी जेडीयू से, शुभांकर भट्टाचार्य जी टीएमसी से और सुभाष यादव जी जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े थे। सभी ने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी और हमने इस पर चर्चा करी कि आखिर विपक्ष का मुख्य चेहरा कौन होगा। लेकिन सभी अपने अपने मुखिया को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखते हैं कहीं ना कहीं, और जो बात है विपक्ष की एकता की वो कहीं अभी दूर नजर आ रही है। अभी इस पे किसी ने न मंथन किया है न विचार किया है। हालांकि विपक्ष को मजबूत करने की और इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि विपक्ष की एकता कितनी जरूरी है भाजपा को, एनडीए को हटाने के लिए, कहीं ना कहीं देश में बदलाव लाने के लिए। ये कहीं ना कहीं विपक्ष ध्यान नहीं दे रहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष की क्या महत्व होता है और उस महत्व को बरकरार रखने के लिए विपक्ष का एकजुट होना कितना जरूरी है। कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है विपक्ष, और इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, 2024 में अपना प्रदर्शन, अपना दमखम दिखाना चाहिए, अपना जो ईगो की बात जो इस डिबेट में सबसे ज्यादा आई है उसको दूर करके एकजुट होना चाहिए। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।